Assalamu alaikum, date 11th of August 2020, class 2, subject Qaida. आइए बच्चों अपने सबक का आगाज तावत अस्मे की तिलावत और दुआ से करते हैं. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم آمين. تقتی نمبر 11. بسم الله الرحمن الرحيم ميم حاز برمح ميم حاز برمح फा वाउ पेशफू महफू वो दो देर गिन महफू गिन आगे वक्फ महफू दो जेर ख़त्म हो जाएंगे यहाँ पे जज़म लग जाएगी वक्फ होगा वक्फ रिस्कान वाउ साकिन से पहले पेश वाउ मद्दा का कायदा नून जेर नी सीन अलिफ मद जबर सा निसा हमजा दो जबर अन निसा अन आगे वक्फ निसा अलिफ खाली से पहले जबर अलिफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में आ रहा है असली शक्ल में मद होगी मद मुत्तसिल उसको पांच अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे. आगे देखिए वक्फ होगा वक्बिल अब्दाल दो जबर में से एक जबर निकाल देंगे उसे एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे यानी पांच अलिफ इसकी और एक अलिफ इसका वक्फ की सूरत में. तो पेश तू वाउ दो जबर वन तू वन आगे वक्फ तू ये अपने तख्ती नंबर 6 में भी पढ़ा था याद होगा आपको यकीनन या की कोई वैल्यू नहीं है या को नहीं पढ़ेंगे. आगे देखिए मीम सीन जबर मस रो वाउ पेश रू मस रू रो दो जबर रन मस रू रन आगे वक्फ मस रू रो मस रू रन आगे वक्फ मस रू रो इन तीनों में वक्फ होगा वक्बिल अब्दाल एक अलिफ एक ज़बर ख़त्म कर देंगे उसे एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे वक्फ होगा वक्बिल अब्दाल. ये था आज का आपका सबक पेज नंबर 18 की फोर्थ लाइन तख्ती नंबर 11 पेज नंबर 18 फोर्थ लाइन अच्छी तरीके से याद कीजिएगा हिज्जे रवां के साथ कवायद के साथ. थैंक यू अल्लाह हाफिज़.